इन्ने ग्रुप जिन्ने पैदा हुए ने सारे बीजेपी के टाइम से होए हुए ने। मैं कहना भी ये जिहड़े इन्होंने बना बना के संस्थावां दे एक गन गुन मैनल दे लालचां दे विच एक मैं कहना एक नवा समझ लो गैंगस्टर दे रूप एक नवे गैंगस्टर पैदा करते समझ लो ये सारे बीजेपी की देन इंडिया दे राष्ट्रपति तक पहुँचाउणी है। वो लिखती उन्होंने मेमोरेंडम सारे डीसियां दे दफ्तर जिथे जिथे जिन्हों बंदा सूटेबल होएगा वो अपनी एक राष्ट्रपति दे नाम एक एप्लीकेशन देनी है ता जो इन जिहड़े बंदियां ने गलती की उन्होंने खिलाफ पर्चा दर्ज हो गए तो उन्होंने जेल हो। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जसविंदर पाल, चैनल शान पंजाबी तुहाड़ा स्वागत है। तो गल करिए विवादों की, विवाद तो अक्सर होंदे ही रहिंदे ने, परंतु इस बार विवाद करन वाले कदे ये नहीं सोचते कि उन्हां दी दहलीज़ की है, उन्हां दी सीमा की होनी चाहिए है। सब तो बड़ा सवाल इस समय बनया होया है क्योंकि दो भाजपा के आगू जिन्हां नूं भाजपा कढ चुकी है, नवीन जिंदल ते नूरपुर, तो उस नूं कढ़न दा कारण की सी? उन्होंने पैगंबर साहब बारे विवादित टिप्पणी की, वह भी एक नैशनल चैनल के डिबेट से, जिस तों बाद हिंदुस्तान अरब तक पूरी दुनिया में एक रोष फैल गया। तो अरब कंट्रिया ने तो भारत नाल संबंध तोड़न की, व्यापार का जिहड़ा लैण देण सी उह बंद करन की एक धमकी भी दे दी, जिस तों बाद पूरी दुनिया च हलचल मच गई है। तो आखिर विवाद की है? भारत का मुसलमान भी जो मुस्लिम भाईचारा है वह तो दुखी दुखी है, बाकी भी समाज दुखी है, परंतु मुस्लिम भाईचारे दीआं भावनावां की ने? इस विषय से साढ़े नाल जुड़े ने डॉक्टर अनवर, जो कि मुस्लिम लीडर ने, ते पंजाब च इन्हां दा काफ़ी रसूख है। तुहाडा पहला स्वागत डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी, धन्यवाद शान पंजाबी टीवी का। डॉक्टर साहब, विवाद बहुत बड़ा है। देखो, बीजेपी ने इहोजे प्रवक्तावां नूं जदों दी गौरमेंट बनी है बीजेपी दी, बेबाक प्रवक्ता जिहड़े, मैं कहना भी उन्होंने किसी भी प्रवक्ता नूं लगाम नहीं लगाई हैगी। वो मुसलमानां नूं दे सिर ते सियासत करदे करदे कद उन्हां दे जिहड़े मतलब धार्मिक गुरु जिन्हां नूं कल्ले कहिंदे आ वी दुनिया उन्हां दा लोहा मन्नदी है, साडे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ते इक्के शख्स सीगा जिहड़ा मुस्लिम धर्म दे विच मन्निया जांदा वी जिहदी रब नाल, परमात्मा नाल, वाहिगुरू नाल, उस नाल सीधी गल्लबात सी। ते पहलां तां देखो, ये मुसलमानां नूं टारगेट करदे सीगे, किसी ने अज तक इन्हां नूं, क्योंकि मुसलमान सबर उन्हां नूं रब ने दिता, वह भी साढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रास्ते दे चलते हुए उन्हां रब दे भरोसा करते हैं, भी हर एक वेले रब अगे अरदास करते हैं भी परमात्मा या अल्लाह इन्हां नूं हदायत दे देवे, तां जो इन्हां दा जिहड़ा साढ़े प्रति नज़रिया वह चेंज हो जाए। पर एक कद वह जद इन्हां दीआं इन्हां दे जे इन्हां नूं गौरमेंट चाहुंदी लगाम लगाउंदी पहलां ही, तां जिहड़ा अज सारे वर्ल्ड दे विच साढ़े प्रधानमंत्री जी की, साढ़े हिंदुस्तान की, साढ़ी गौरमेंट की जो इस टाइम थुथू हो रही है, मैं कहना अज तक इतिहास दे विच एक काला धब्बा साबित होया। अज तक जिन्नियां भी सरकारां आई हैं कदे भी हिंदुस्तान ने मतलब अपने आप नूं इन्ना नेगलैक्ट महसूस नहीं करिया जिस तरह अज की डेट दे विच कर रहे। डॉक्टर अनवर, मसला सीगा डिबेट का, डिबेट चों चैनलों ते उंगल उठनी शुरू हो गई कि आखिर चैनलों नूं भी, न्यूज़ चैनल ने जिहड़े, उन्होंने भी कितने ना कितने अपनी डिबेट ते भी लगाम रखनी चाहिए। देखो, चैनल वाले भी देखो अजकल वह भी देखो एक उन्हों का हिस्सा बन चुके, क्योंकि वो अपने थोड़े जे पैसों खातर TRP लैण खातर TRP की अपना कमाइया का सोर्स बढ़ा लिया उन्होंने। उन्होंने भी जब कोई मुस्लिम न्यूज़ चलाने हैं या कोई BJP वाले या मुस्लिम ते या कोई हिंदू अपना कोई भी इन्हों प्रवक्ता मुसलमानों टारगेट करके कोई डिबेट करता, इन्हों की TRP एकदम बूम करती है, तो ये नोटा च खेलते ने। पर नोटा च खेलते खेलते हुए कद अपने देश में
एक देश नू इन्ना इन्होंने नीचा दिखाता, इन्हों अपने आप में भी एहसास नहीं है भी जिहड़ा इन्होंने जहर घोलता पूरे 1.8 मिलियन जिहड़े मुस्लिम ने, वैसे तो मुस्लिम कई कास्टा च ने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े साडे नबी आखिरी नबी ने उन्हां वास्ते सारे मुसलमान एक ने। ये उस मुद्दे नू इन्हां ने मतलब उस एक अल्लाह दे प्यारे ते उंगल चुकती भी वह इन्हां नू हुण उहदा घाटा पूरा करना, मैं कहना भी वह कर नहीं सकते हैगे। एक कर सकते साडे प्रधानमंत्री जी ते अमित शाह जी, बेनती है तुहाडे तुहाडे नू एक साडी भी ये जिहड़े दो बंदे ने जिहड़े ते मेन इस टाइम उंगलियां चुकियां ने, वैसे तो हुण काफ़ी जदों तक तुसी खुल दई जांदे हो अगे 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 इन्हां दी गिणती वधदी जा रही है। कारण यह है भी वह लोगों का हौसला बुलंद होया है, ठीक है ना। तुसी इन्हां नू फड़ के जेल च डको तां जो तुसी एक कदम वधा के तां देखो मुसलमानां वल, जे तुसी एक मुसलमाना वल कदम वधाउंदे हो मुसलमान तुहाडे वल हज़ार कदम वधाउंदे ने। ये मुद्दा इहो जिहा है। मैं हुण इस टाइम मुसलमानां दी भी नहीं गल कर रहा, ये साडियां धार्मिक भावनावां ने, इन्हां नू देखदे होए जे तुसी उहनां बंदियां ते तुरंत कार्रवाई कर दिंदे, अज तुसी हिंदुस्तान तां की अरब कंट्रियां दे विच वी अज एक हीरो हुंदे। प्रधानमंत्री जी तुसी बहुत वड्डी गलती करी है जिहड़ा उहनां नू इन्नी देर तक हुण तक झूठ दे के रखी है। ते तुहानू इह नहीं लगदा इहदे पिछे दाल ही काली है? नहीं, दाल काली है, मैनू ये लगता भी एक वोट बैंक की राजनीति करके। तुसी एक वोट बैंक ना देखो, ठीक है, अपने उन्हां बच्चियां दे भविष्य बारे सोचो जिहड़े करोड़ां दी गिणती च उन्हां मुल्कां दे विच जॉब कर रहे ने। तुसी तां उरे एक थोड़ा जिहा इन्हां ने तुहाडे बंदिआं ने बकवास करती, उहदा रिजल्ट जिहड़े साडे बच्चे ने उरे गए होए ने पढ़न वास्ते गए होए ने, पूरे हिंदुस्तान दो सचो किहड़े किहड़े परिवारां ने किस तरह अपने बच्चिआं नूं भेजिआ होइआ है, किस तरह उन्हों का गुजारा चल रहा है। तुसी तां अज तक किसी नूं एक नूं भी नौकरी नहीं दित्ती हैगी, घट तो घट उन्हों का रुजगार तो ना खोवो। तुसी मैं बेनती करदा वी इन्हां ते तुरंत कार्रवाई करके एक सुनेहा भेजो भी साडा जिहड़ा हिंदुस्तान एक है, भावें वह इन्हों का अपना प्रवक्ता होवे भावें कोई होर होवे, उन्होंने बख्शा नहीं जाऊगा, उन्होंने जेल च धक्या जाऊगा। इहो जे मुद्दों ते जे बंदा कोई होगा, बीजेपी ने एक स्टैंड लिता, हाँ जी, इस मुद्दे दोनों नूं बाहर कढ़ दित्ता, हाँ जी, इसी नूं की मानदे? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਡਲਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਗਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹਟੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੂੰਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ,
या योगी दे इतना इन्होंने नंबर बनाए होंगे है भी इस तो बाद केड़ा ऑप्शन है उस तो बाद केड़ा ऑप्शन है। मैं कहना ये ऑप्शनों के चक्कर दे विच तुसी अपने देश नू बर्बाद ना कर दिओ, इनू हरिया भरिया रहन दो। ठीक है, सरकार थोड़ी है, तुसी चला रहे हो, असी थोड़ा एप्रीशिएट करते भी तुसी जे एक सांझा सुनेहा दवोंगे असी भी थोड़े नाल खड़ांगे। ते कल जुमे जुमे विच की देख माहौल देखने मिल रहा, जुमे की नमाज़ तो बाद कोई पंजाब का जिहड़ा मुसलमान है कदम चुकन जा रहे? पंजाब का मुसलमान हैगा एक शांतमई अपना एक प्रोटेस्ट है उन्हों का, कोई उन्होंने कोई वो नहीं शांतमई प्रोटेस्ट करना है उन्होंने अपनी। देखो मोदी जी तो उन्होंने कोई आस नहीं रही हैगी, उन्होंने अपनी आवाज़ पंजाब दे ना सॉरी इंडिया दे राष्ट्रपति तक पहुँचानी है। वो लिखती उन्होंने मेमोरेंडम सारे डीसियां दे दफ्तर जिथे जिथे जिन्हों बंदा सूटेबल होएगा वो अपनी एक राष्ट्रपति दे नाम एक एप्लीकेशन देनी है ता जो इन्हां जिहड़े बंदियां ने गलती कीती उन्हां दे खिलाफ परचा दर्ज होवे ते उन्हां नूं जेल होवे। ते एक जिवें मीडिया इहदा एक तंत्र बंद है, इहदे खिलाफ कोई भी बोल नहीं रहा कि इहनां ते वी नहीं लगाम लगनी चाहीदी? नहीं मैं तां कहांगा वी सारे बंदां दे देखो ये जिहड़े चीज़ां जहर घोलदियां ने हुण जसविंदर जी मैं कहना इन्ने हिंदू भरा ठीक है ना इन्नू उपर शर्मा क्या शर्मे कि साढ़े नाल इन्ने शर्मे इन्ने दी दोस्ती है। मैं कहना असी उन्हां ते जान सुटदे हां वो साढ़े ते जान सुटदे हां ठीक है ना, पर ये लोग ना इन्हां नू प्यार बर्दाश्त नहीं है। ठीक है ना, इन्हां ने जहर घोलण वास्ते अलग अलग कोई किसी नाम तो बना दी, कोई शिव सेना, कोई फलाणी सेना, कोई फलाणी सेना। ठीक है, इन्ने ग्रुप जिन्ने पैदा होए ने सारे बीजेपी के टाइम च होए हुए ने, इन्हां दा इन्हां नू ही पता है क्योंकि वो ये हुण बेलगाम हो चुके ने सारे ग्रुप। मैनू लगता भी मोदी जी का भी कंट्रोल नहीं ना तेरे है ना RSS का कंट्रोल मैं देख रहा जित तक। ठीक है ना, हुण दो चार दिन मैं कहना वो मोदी नू भी बेकार दसदे ने, RSS नू भी बेकार दसदे ने, जिहड़ा मतलब वो बेलगाम हो चुके ने क्योंकि नौजवान नू सीधे रास्ते पाउणा बड़ा औखा है, पुठे रास्ते मिंट च पै जाने, चाहे कोई भी धर्म होवे अपने नौजवानों नू वधिया रास्ते पाउणगे तां वधिया काम करनगे, चंगे रास्ते पाउणगे वधिया एजुकेटड अफसर बनणगे, लोकां वास्ते एक मिसाल पैदा करनगे, वधिया खिडारी बनणगे। मैं कहना भी ये जिहड़े इन्हां ने बना बना के संस्थावां दे एक गन गुन मैनल दे लालचां दे विच एक मैं कहना एक नवा समझ लो गैंगस्टर दे रूप एक नवे गैंगस्टर पैदा करते समझ लो, ये सब ये BJP की देन हैगी। बहुत बड़ा सवाल है डॉक्टर अनवर दा कि पैगंबर साहब जो कि बहुत वड्डी उच्चे कहंदे ने कि वैसे भी जे आकाश ते थुक्या थुक है जिहड़ा किसे ते होर ते नहीं गिरदा अपने मूँह ते ही गिरदा है, यही सबक लैण दी लोड़ BJP नूं अज दे हालात है क्योंकि BJP इस लई क्योंकि उन्हां दी सत्ता है, जे सत्ता विच रहिंदे जे उह भाईचारा कायम